पूरे सीजन बिग बॉस उठली के सोफे पे सोया हूँ, जो इंसान सोफे पे सोया है एक बहुत मुश्किल से बेड पे सोया है किस दिन, तो मुझे आपको क्या लगता है, मतलब किसी को क्या ही लगता होगा कि मुझे क्या ही सुविधा चाहिए होगी यार, बस टाइम पे टॉयलेट जाने को मिल जाए, पानी मिल जाए पीने को, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और वो भी नहीं मिलेगा तो चलेगा यार, क्या 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 ही लेंगे मुझसे यार। रियलिटी, ऑनेस्टी, बीइंग नेचुरल एंड फियरलेसनेस, जो भी आ रहे हैं घबरा के डर जाओ सारो यार, कसम से बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि इतना मैं जितना ऑनेस्ट हूँ आई डोंट थिंक कि बहुत कम लोग होते हैं इतने ऑनेस्ट यार। Hello and welcome to Bollywood Life and India.com. This is Sanskriti Salunke, your host. Big Boss 15 is finally happening. We recently saw Big Boss OTT and Prateek Sejpal has already won hearts. He opted out of Big Boss OTT's winner's race to be a part of Big Boss 15. Let us now have a chat with him about his plans for Big Boss 15. Welcome, Prateek. Hi, thank you so much, Sanskriti, for having me here. And yes, let's do it. So firstly, it was a brave decision to opt out of the winner's race when, you know, many thought ki Prateek hi jeetega. And so what were your thoughts when you, you know, literally took the bag? Because everyone was shocked. मुझे लगता है कि मैं रेस से बाहर नहीं हुआ, रेस से तो जीत के जो जीता है इंसान वो बाहर हो गया, मैं तो रेस में ही हूँ अभी। No, I said you opted out. I know, that's what I'm saying. मैं बिग बॉस 15 की रेस में था शुरू से और मैं उस रेस में अभी भी कायम हूँ और वो ट्रॉफी लेके मैं घर आ रहा हूँ, तो दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी, दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज फॉर मी, वही मेरे लिए मायने रखती है चीज, और मैं उस रेस पे खड़ा हूँ अभी एकदम डट के। Yeah. So if there was no like Big Boss 15 का ऐसा कुछ, तो फिर भी आप अगर वो बैग नहीं लेते तो डू यू थिंक यू वुड हैव होल्ड लाइक वन द बिग बॉस ओटीटी ट्रॉफी? मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब बाहर आके जितना मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग मुझे चाह रहे हैं, जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, वो मुझे 100% जिता देते हैं यार, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मेरी जो मेरी भूख थी, जो मेरी चाहत थी, वो वहाँ के लिए नहीं थी, जो मेरी जरूरत थी वो ये थी, और मेरी भूख इसके लिए थी बिग बॉस 15 में कलर्स पे आने की, और मैं वहाँ पे मैं अपनी ट्रॉफी लेके यहाँ पे पहुँच गया हूँ, जो मेरे को वहाँ से लेना था मैं वो लेके यहाँ पे आ गया हूँ, अब यहाँ से जो मैं लेके जा रहा हूँ वो ट्रॉफी मेरे हाथ में, मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर बिग बॉस 15 की। True. तो अभी बिग बॉस 15 का जितना हमने प्रोमोस देखे हैं, इट इज अ जंगल थीम, एंड दिस इज सलमान सर लाइक व्हाट ही सेज इन द प्रोमो कि बिग बॉस ओटीटी में सुविधाएं नहीं होंगी लाइक यू हैड इन बिग बॉस ओटीटी, सो हाउ आर यू प्लानिंग टू सर्वाइव इन दिस जंगल? मुझे कोई सुविधा वैसे भी नहीं चाहिए यार, ऑनेस्टली मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूं, मुझे कोई सुविधा क्या ही सुविधा चाहिए, मैं पूरे सीजन बिग बॉस ओटीटी के सोफे पे सोया हूँ, जो इंसान सोफे पे सोया है एक बहुत मुश्किल से बेड पे सोया है किस दिन, तो मुझे आपको क्या लगता, मतलब किसी को क्या ही लगता होगा कि मुझे क्या ही सुविधा चाहिए होगी यार, बस टाइम पे टॉयलेट जाने को मिल जाए, पानी मिल जाए पीने को, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और वो भी नहीं मिलेगा तो चलेगा यार, क्या 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 ही मिलेंगे मुझसे यार। And also Big Boss 15 में अलग players होंगे, like there'll be more players, a bigger number than what we had in Big Boss OTT. So some will be with you, some will hurt you. So how will you tackle, you know, different kind of people? देखो मैं जहाँ पे जो मेरे को दिल में जो real तरीके से मेरे naturally आएगा मैं वो करूँगा, उसमें किसी को कुछ भी हो या कुछ ना भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती होगी तो होगी naturally, नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं किसी के लिए वहाँ पे नहीं जा रहा, मैं अपने लिए जा रहा हूँ, अपने दिल के लिए जा रहा हूँ, अपनी मां के लिए जा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए और मेरे चाहने वालों के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं लोग, दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी, ऑनेस्टली नो वन कैन हर्ट मी अनलेस आई गिव देम द राइट टू हर्ट मी, एंड ठीक है एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत हो जाती है लोगों से मैं मानता हूँ, बट ठीक है यार हो गया हर्ट तो हो गया, वो भी मेरे इमोशनल, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग यार, आई एक्सेप्ट द वे आई एम एंड दैट इज हु आई एम एंड दिस इज हाउ आई एम, तभी मेरे को लोगों ने इतना प्यार किया क्योंकि मैं इतना रियल था वहाँ पे और मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ बिल्कुल यार हर कदम पे। तो जैसे देयर बी न्यू कंटेस्टेंट्स और उन्होंने आपको ऑलरेडी देख लिया है बिग बॉस ओटीटी में एंड दे नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, सो डू यू थिंक दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर देम? अगर वो इतना एफर्ट कर रहे हैं कि मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स निकाल रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, तो भैया वो ऑलरेडी डर चुके हैं मेरे हिसाब से, और मेरे लिए वो बहुत है, वो ऑलरेडी इंटीमिडेट हो गए हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है अभी अगर वो बैठ के रिसर्च कर रहे हैं मेरे ऊपर पूरे कागज दिख रहे हैं तो ये वो कागजों को वो फाड़ के फेंक सकते हैं क्योंकि वो कागज उनके काम नहीं आने वाले, क्योंकि जो सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे समझ लिया परख लिया तो वो उनकी गलत फहमी है। सो ऑल्सो लाइक बिग बॉस ओटीटी में यू हैड करण जौहर एंड नाउ इट इज फाइनली सलमान खान,
So how excited are you? You know, Salman Khan has a different kind of different way of hosting. So how excited are you to meet him? I think Karan Johar has been a great host. उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज का उन्होंने बिल्कुल जस्टिस वाले तरीके से उन्होंने हर चीज का उन्होंने फैसला सुनाया है, जो भी किया अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा उन्होंने किया. I really appreciate that he has been very supportive in times when there was support required for me. और जब जहाँ उन्होंने मेरे को गलत मेरी बातें बताई तो मैंने वो भी एक्सेप्ट किया. I think सलमान खान की जहाँ तक बात की जाए, पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई. मतलब मतलब उनके साथ स्टेज शेयर करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, बिकॉज दैट इज बीन लाइक माय ड्रीम. जो 10-15 साल से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग आए हैं, लोग गए हैं, और अब मैं वहाँ पे आके खड़ा हूँगा और मेरा परिवार मुझे देखे. इट्स लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दैट. एंड जेन्युइनली क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं सोच ही नहीं पा रहा कि वो समय आ चुका है और अब जाने का समय आ चुका है. एंड इट्स लाइक I don't know. I have no words about it. Yeah. I can feel your excitement. So you know, when you like decided to do Bigg Boss 15, so after a few days, we saw Divya tweeting like saying that she wants to wish you good luck for the show because tumhara ab koi competition nahi hai wahan. So what would you react to? Like, what would you say to this? मेरी उनसे भी बात नहीं हुई शो से बाहर आने के बाद, और वो ट्वीट किसके लिए था, उन्होंने उसमें नाम नहीं लिखा किसी का, तो मैं कैसे समझूं कि वो मेरे लिए है. तो ठीक है, अभी तक मेरी उनसे भी बात नहीं हुई है, सो आई डोंट नो. आई मीन ठीक है, भगवान उन्हें खुश रखे भाई, ठीक है जो भी है, एंड भगवान मुझे भी खुश रखे. आई एम वर्किंग हार्ड, शी इज वर्किंग हार्ड. इफ शी इज वर्किंग हार्ड विद ऑनेस्टी, मे गॉड गिव हर ऑल द एवरीथिंग दैट शी डिजर्व्स, एंड आई एम वर्किंग हार्ड विद ऑनेस्टी, एंड मे गॉड गिव मी आल्सो एवरीथिंग दैट आई डिजर्व. ओके, इट्स ऑल राइट. ओके, so coming back to Bigg Boss OTT, so share one best and the worst moment from, like, worst memory from Bigg Boss OTT. I think the best thing was when I picked up the suitcase. जब मैं जाते जाते वहाँ पे Bigg Boss की वहाँ पे garden area में suitcase रख के मैंने जब सर नीचे माथा अपना टेका और हाथ जोड़े, I think that was like the most amazing moment. It was a great feeling when I was walking out of that house. अपनी मर्जी से, अपने डिसीजन से, मेरे को किसी ने बाहर नहीं किया, कोई मुझे बाहर नहीं कर पाया, मैं अपनी मर्जी से वहां से बाहर निकला हूं अपनी ट्रॉफी हाथ में लेके. एंड द वर्स्ट वर्स्ट कुछ भी नहीं मानता यार मैं, वर्स्ट कुछ नहीं है. हर चीज जो हर तजुर्बा है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है मेरे लिए, और मैं किसी चीज को वर्स्ट नहीं मानता. हर एक चीज मेरे लिए बहुत कीमती है यार. ओके, ग्रेट. सो लास्टली, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रतीक इन बिग बॉस 15? रियलिटी, ऑनेस्टी, नेचुरल, बीइंग नेचुरल and fearlessness. तो जो भी आ रहे हैं, घबरा के डर जाओ सारो यार, कसम से बता रहा हूँ. मतलब क्योंकि इतना मैं जितना honest हूँ, I don't think कि बहुत कम लोग होते हैं इतने honest यार. लोग game को game की तरह खेलते हैं, शो को game समझते हैं, अपनी असली personality दिखाने में डरते हैं. मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ. अगर आप मेरे को बाहर भी मिलोगे मैं ऐसे ही हूँ, अगर आप मेरे को मेरे घर आके भी मिलोगे मैं वैसे ही हूँ, अगर आप मेरे को बिग बॉस के घर में आके मिलोगे मैं तब भी वैसे ही हूँ. तो यार, okay, so good luck. We hope you get the trophy this time. Thank you so much, Sanskriti. So good luck, and thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you so much.